Hi students, let's start with the revision of application of derivatives. और इसी के साथ this will mark the end of the revision of differential calculus for this playlist. ठीक है, ए और डी में जो है हमने बहुत सारे सवाल लिए हैं और कैटेगरीज में सवाल लिए. मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन पर, है ना, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो मेन सी पिछले 2-3 साल से फेवरेट बन चुकी है. इससे अलावा एम्फेसिस किया गया है मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स पर. ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया गया. मैंने नॉर्मल टेंजेंट्स में ज्यादा फोकस नहीं करा है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऐसे फीडबैक आए हैं कि नॉर्मल टेंजेंट जो है वो सिलेबस से हटा दिए जा चुके हैं. तो आई थॉट कि ठीक है, मेरी भी मेहनत ही बचेगी. बट अगर आपको लगता है कि मुझे नॉर्मल और टेंजेंट पे लेने चाहिए सवाल, तो आप मुझे बता देना, मैं ले लूंगा. क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट तो वैसे भी सबसे आसान वाला पोर्शन है ए और डी का. ठीक है, नॉर्मल और टेंजेंट तो वो पोर्शन है जो पढ़ाने में जोर भी नहीं आता है, मतलब dy बाई डी एक्स और माइनस dx बाई डी वाई, बस इसी का खेल चलता है. सब टेंजेंट सब नॉर्मल तो वैसे भी मेन से सिलेबस का पार्ट एडजस्ट नहीं था, पढ़ा तो हम देते ही है वैसे भी. ठीक है, तो अगर आपको जरूरत हो उसकी तो कमेंट कर देना. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. इफ एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 क्यू एक्स प्लस 4 आर इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड ट्रू. अब अगर आप क्लास 11th में भी हो तो भी आपको ये वैसे पढ़ाया ही जाता है, बट आई गेस आपको ये पता होगा एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, राइट. अगर नहीं पता तो ये सवाल तो भैया बिल्कुल देखते जाना. तो मल्टीप्लिसिटी क्या कहती है कि अगर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी m है, लेट अस से r एक रूट है, r इज अ रूट, रियल रूट. ठीक है, R is a real root with multiplicity m. ठीक है, किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए. ये मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट ही अपन पॉलिनोमियल से डिफाइन कर रहे हैं. तो R is a real root with multiplicity m of let us say fx. ठीक है, तो f dash r भी जीरो हो जाए, f double dash r भी जीरो हो जाए, and so on till f m minus 1 differentiations. ठीक है, f का m minus 1 times differentiate करोगे उसका भी r root होगा. तो अगर x to the power 5 minus 5 qx plus 4r is divisible by x minus c whole square, इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि c जो है वो 2 multiplicity का root है. और एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लिसिटी 2 है. मल्टीप्लिसिटी 2 है मतलब f of c भी जीरो है, f of c जीरो है और f dash c भी जीरो है. तो यहां से मेरे पास दो इक्वेशन आएगी, वहां से मैं एलिमिनेशन कर लूंगा. कर लेते हैं. तो f of c जीरो मैंने लगाया, मेरे पास आया c to the power 5 minus 5 qc plus 4r, ये बराबर जीरो. ठीक है, और मैंने फिर लगा दिया एफ डैश सी बराबर जीरो. तो जैसे ही एफ डैश सी बराबर जीरो लगाओगे तो अब मैं डिफरेंशिएट करके तो नहीं दिखाऊंगा इस स्टेज पर, तो मान सकते डिफरेंशिएट कर लो. 5c to the power 4 माइनस 5q बराबर जीरो. ठीक है, इससे डिफरेंशिएट कर लो जे ना भाई, इस चीज से डिफरेंशिएट तो कर ही लो जे. तो इससे डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 5x टू द पावर 4 माइनस 5q, है ना, उसमें बस c डाल दिया मैंने. तो यहां से मेरे पास q
क्यू की वैल्यू सी टू दी पावर फोर आ गई, क्यू की वैल्यू सी टू दी पावर फोर आ गई, तो सी टू दी पावर फाइव मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, क्यू टाइम्स सी, सी टू दी पावर फाइव मेरा क्यू टाइम्स सी आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास फोर आर बराबर है ना, क्यू टाइम सी की जगह अपन सी टू दी पावर फाइव डाल देंगे, मैंने बोथ साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म दिखे नहीं मुझे, हाँ या ना? फर्स्ट इक्वेशन मुझे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई देगी, एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म टू सी टू दी पावर फाइव माइनस फाइव सी टू दी पावर फाइव प्लस फोर आर बराबर जीरो। ठीक है, फोर आर क्यू अगर सी टू दी पावर फोर आएगा, क्यू विल बी, अगर मेरा क्यू सी टू दी पावर फोर आ रहा है तो सी टू दी पावर फाइव मेरा क्यू टाइम सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है सी टू दी पावर फाइव, आर की वैल्यू आ रही सी टू दी पावर फाइव। तो अब मैं अगर ऑप्शंस चेक करूं तो क्या मेरा ये ऑप्शन मैच हो रहा है कि आर टू दी पावर फोर बराबर क्यू टू दी पावर फाइव इज इक्वल टू सी की पावर 20। ठीक है, आर की पावर फोर क्यू की पावर फाइव इज इक्वल टू सी की पावर 20, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी है ना, इसी वैल्यू भी लिख लो सी की पावर 20। ठीक है, तो जितना इजी प्रॉब्लम है, अगर मुझे ये तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मेरा तो दो लाइन में हो गया था। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करता मल्टीप्लिसिटी वगैरह, तो ये मेरा दो लाइन में सवाल समाप्त था। अब इसी सवाल को तुम सोचो, अगर तुम कुछ इस तरह से बनाते है ना, इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं पेपर में, कि इसको तुम इस टाइप से अप्रोच करने लगे, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लिया, एक्स क्यूब प्लस सी एच स्क्वायर प्लस डी एच प्लस ई, इस टाइप से कुछ। वहां हो सकता है मे भी तुम बोल दो हाँ ये कर सकते हो, सी तो तुमने जीरो बोल दिया, बट ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है ना, कोएफिशिएंट तुम्हें बना के देखना पड़ेगा एक बार, तो तुम्हारी तो हालत खराब ही हो जाएगी। सही बात है ना, ये एक्सपांड करोगे, फिर तुम कंपेयर करोगे, फिर निकालोगे, उससे कितना इजी मेथड है ये। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी आर इज अ रियल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी एम, ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता हो तो कितना जल्दी तुम ये सवाल कर सकते हो। तो अगर नहीं पता था अब तक तो ये दिमाग में डाल दो, ये वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एडवांस में भी हेविली यूज होता है। ओलंपियाड में मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, थ्रिल्स एंड चैलेंजेस में कितने क्वेश्चन है जो इस वाले कॉन्सेप्ट से होते हैं, प्री कॉलेज मैथमेटिक्स एक फेमस ओलंपियाड की किताब। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही। तो द कर्व y इक्वल टू f x सैटिस्फाइड d2y बाय dx स्क्वायर बराबर 6x माइनस 4 एंड f x हैज अ लोकल मिनिमम वैल्यू 5 व्हेन x इक्वल टू 1 व्हेन f ऑफ 0 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि इंटरेस्ट से, ये तो मैं इंटीग्रेशन में भी ले सकता था बट ठीक है अभी ले लिया। तो अगर d2y बाय dx स्क्वायर, देखो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्शन तो आ ही जाता है, उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी, वो इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर 6x माइनस 4 है तो इसे मैं एक बार डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी है ना, मैंने इंटीग्रेट कर दिया ना, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा सी। ये लेना ना भूलना, अगर तुम ये प्लस सी लेना भूल जाए
और डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ ये लिख दिया तो तुम फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, फिर आंसर गलत आएगा। आंसर गलत किया तुम आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उसने बोला एफ एक्स एज अ लोकल मिनिमम वैल्यू 5, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू 5 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। तो अगर इसे मैं ट्रांसलेट करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा f'5 0 है, f'5 0 है क्योंकि 5 पे क्या है, सॉरी f'10 है, तो गलतियां यहां भी होती है हमसे भी होती है। f'10 है क्योंकि x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा आ रहा है और f(1) 5 है, ये मेरे पास इक्वेशंस है। तो यहां से मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास ये dy by dx, अब ये c निकालना है तो अपन एच सी जगह डालेंगे 1 और dy by dx सी जगह डाल देंगे 0, राइट। तो 0 बराबर c माइनस 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई। इसे ना मेरा dy by dx आ रहा है, dy by dx आ रहा है 3x² माइनस 4x प्लस 1। नाउ हमें y निकालना है, y ऑफ x के बारे में हमें बात करनी है। मैं इसको भी इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इसलिए मैंने इंटीग्रेट करा तो y ऑफ x मेरा कितना आ जाएगा, x³ माइनस 2x² प्लस एक्स, और फिर से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ये मत भूलना, डोंट फॉरगेट द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने अलर्ट कर दिया तुम्हें, जहां तुम सी भूलोगे वहां तुम्हारा आंसर गलत आएगा। इस सी का मुझे निकालने के लिए उसने दिया है कि वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, एच सी जगह 1 रखा तो मेरे पास बना 5 बराबर माइनस 1 प्लस सी, सी की वैल्यू आ जाएगी 5। फाइनली मेरा वाई ऑफ एक्स, तो मेरा वाई ऑफ 0 क्या है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वाई ऑफ 0, तो वाई ऑफ 0 की वैल्यू तो सी है, सी मेरा आ गया सी इक्वल टू 5 बराबर वाई ऑफ 0, ये निकालना था। अब तुम ऑप्शंस देखो, इतना आसान क्वेश्चन, बहुत लल्लू सवाल, इस सवाल में कुछ भी नहीं रखा है, बट तुम ऑप्शन देखो, यहाँ जीरो बैठा है, जीरो बैठा है ताकि तुम ये वाला सी भूल जाओ और यहाँ पे आके जीरो कर दो। तो माइंड में पहले ही, अगर तुमने ये स्टेप्स पहले से ही देख लिए ना कि ये तो एक ऐसा सवाल है जो तुम बिल्कुल मेंटली सॉल्व कर सकते हो, मेंटली स्टेप बना सकते हो कि d2y/dx² दिया है, मैं dy/dx बनाऊंगा और मुझे लोकल मिनिमम दिया और ये दिया, मतलब दो इक्वेशन, मतलब सी सी सी। तो जब ये सी तुम्हारे दिमाग में ऐसे आएगा, प्लस सी आएगा वहां से सी निकाल लूंगा, फिर प्लस सी आएगा वहां से निकाल लूंगा, ये जब दिमाग में आएगा तो अपने आप ही मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए कि तुम सवाल मेंस लेवल पे तो एक स्टेप दो स्टेप आगे देख सको, ठीक है, मेंस लेवल पे तो ये होना चाहिए, एडवांस लेवल पे थोड़ा मुश्किल होता है, एडवांस लेवल में कोई भी एक स्टेप आगे सवाल देना मुश्किल होता है। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे एडवांस के लिए भी, बट इट इज टफ, बट मेंस में तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, दिस इज अ क्वेश्चन जो मेंस में आ सकता है, बट ये इजी कैटेगरी में ही आएगा। अब सोचो तुम अगर ये क्वेश्चन गलत कर दो सिर्फ प्लस सी के कारण, तो तुम्हें तो भारी लॉस हो जाएगा, बहुत भारी लॉस, तो ध्यान रखना। दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम टेंजेंट एंड नॉर्मल, आई थिंक मैंने दो ही क्वेश्चन लिए हैं टेंजेंट नॉर्मल के, दो इसलिए लिए ताकि रिवीजन करवा दूं, मेरा तो काम है तुम्हें रिवाइज कराना। एब्सिस ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द कर्व सच दैट टैंजेंट्स एट पी एंड क्यू मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, समझना, इस टाइप का मेरे पास सुसाइड कर्व है। तो ऐसे मेरे पास आई थिंक दो पॉइंट्स आ रहे होंगे सच दैट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट बना रहा हूं तो एंगल विद द एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री,
अगर एंगल विद द एक्स एक्सिस इज इक्वल, इसका मतलब इन दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल है, राइट? स्लोप इज इक्वल, ठीक है, इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम है, राइट? इन दोनों लाइंस अपन स्लोप इक्वेट कर देंगे, तो एब्सिस ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, सच दैट टेंजेंट एट पी एंड क्यू में 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है? ठीक, तो वाई बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो स्लोप और स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू तो आई थी, स्लोप इज इक्वल टू टेन 60√3, खत्म है क्वेश्चन। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर मेरा ई टू द पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स से बराबर आएगा। अब ये जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स बना है, इसकी वैल्यू एट सम एक्स इक्वल टू टी शुड बी इक्वल टू √3, तो मैं बोल सकता हूँ e टू दी पावर टी माइनस e टू दी पावर माइनस टी ये बराबर √3 आएगा, और यहां से अपने पास आ जाए e टू दी पावर टी अल्फा, ये -1/α और ये √3, इक्वेशन है कि अल्फा स्क्वायर माइनस √3 अल्फा -1 = 0। यहां से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा बराबर आएगा √3 प्लस माइनस √7/2, तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट आ जाए √3 प्लस √7/2 और माइनस, और √3 माइनस √7/2 क्या आ जाए? नहीं, ये अल्फा है, तो √3 माइनस √7/2 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इज बाय ई टू द पावर एक्स, है ना? यहाँ पे ध्यान देना, अल्फा मेरा जो है दैट इज ई टू द पावर एक्स, तो अल्फा शुड बी पॉजिटिव, मेरे पास बेसिकली ये आएगा कि ई टू द पावर एक्स शुड बी √3 प्लस √7/2, तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ln ऑफ √3 प्लस √7/2। देख रहे हो, एक और एकदम सिंपल सा सवाल है, ये सिंपल सवाल था, ये कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, बट यहां पे आके तो मिस्टेक कर सकते थे, कोई हो सकता था √3 माइनस √7/2 ले लेता, है ना? तो वो इस आंसर पे आ जाता, ठीक है? तो इस टाइप की एरर्स हो सकती है, इस आंसर क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है, एक ही पॉइंट बनेगा उसने, एक तो सवाल डिजाइन भी ऐसे किया कि उसने तुम्हें 2 पॉइंट दिए, तो तुम ढूंढो जो 2 पॉइंट्स, बट जरूरी थोड़ी ना कि मिल ही जाए, नेगेटिव वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स है, राइट? चलो, एओडी जब स्टार्ट होता है तो यार इसी इसी टाइप के सवाल होते हैं ना, तुम मानते हो ये बात? तो आई जस्ट इजी तो होते हैं एओडी में सवाल, हमेशा यार मुझे इजी लगते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एओडी के सवाल इजी होते हैं, उन्हें अप्रोच चढ़ना आना चाहिए, एओडी इजी होता है, एओडी लोग पढ़ते हैं और अप्रोच ही गलत तरीके से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया, लेट एफ एक्स बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सैटिस्फाइज दिस, एफ ऑफ 1 = 1, एफ ऑफ 2 = 4 और एफ ऑफ 3 = 9, ठीक है? विच आर द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, f" x ही बात की उसने। तो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ये सब क्वेश्चन देख के इतना घबराते हैं ना, अरे भैया तुम्हें LMBT लगानी, सिर्फ लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा,
और डबल डिफरेंशियल है तो मैं दो बार तो इजीली लगा सकता हूँ, मैं LMVT दो बार तो लगा सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले अगर मैंने एच बिलोंगिंग टू 1, 2 पे लगाया तो मैं बोल सकता हूँ देयर विल बी ए सी वन सच दैट एफ डैश सी वन बराबर कितना है 3 एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 बराबर अपॉन 2 माइनस 1। और सिमिलरली अगर मैंने LMVT लगाई फॉर एज बिलोंगिंग टू 2, 3 तो मेरे पास एफ डैश सी टू बराबर आ जाएगा, एफ डैश सी टू बराबर आ जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज 8/2, अरे सॉरी 5 आ जाएगा, राइट। ये बनेगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है। बस मैंने इतनी इतनी सी चीज ले लाई, तो यहां तो सब आ जाते हैं, बट उसने ऑप्शन में तुमसे एफ डबल डैश एच पूछा है। अच्छा सर अब क्या करें, तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे कि ये C1, C2 दोनों ही 1, 3 में बिलोंग करता है, 1, 3 में बिलोंग करता है, राइट। तो अगर मैं एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लूं C3 विच बिलोंग्स अगेन टू C1, C2 तो मैं एफ डबल डैश C3 को कुछ ऐसा लिख सकता हूं एफ डैश C2 माइनस एफ डैश C1 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C1, लिख सकता हूं ना मैं ऐसा, समझ रहे हो। LMVT मैंने लगा दी फॉर ऑन C1, C2, ठीक है। इस इंटरवल पे मैंने LMVT लगाई तो एफ डैश सी टू की वैल्यू तो मेरे पास है, एफ डैश सी टू की वैल्यू 5 है और एफ डैश सी वन की वैल्यू मेरे पास 3 है अपॉन C2 माइनस C1, तो एफ डबल डैश C3 मेरा बन रहा है 2/C2 माइनस C1, 2/C2 माइनस C1। मतलब अब तक मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि एफ डबल डैश एच इस है ना, मेरे पास एक कोई C3 है 1, 3 के बीच में सच दैट दिस इज 2/C2 माइनस C1, ठीक है। अच्छा मैं C2 माइनस C1 की मैक्सिमम वैल्यू मेरी 2 हो सकती है, ठीक है। C2 माइनस C1 की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है। अब बातें पढ़ते हैं। एफ डबल डैश एच इक्वल टू 2 फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू 1, 3, क्या फॉर ऑल की यहाँ बात हुई है? इसका मतलब C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू 1, 3, यही हुआ? पर ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो गलत ऑप्शन है। एफ डबल डैश एच इक्वल टू एफ डैश एच इक्वल टू 5 फॉर सम एच बिलोंगिंग टू 2, 3। अच्छा तो अगर ये चीज बराबर 5 है तो इसका मतलब C2 माइनस C1 मेरा 2/5 आएगा, राइट। C2 माइनस C1 मेरा 2/5 आएगा 0.4, एंड एफ डैश एच, बट एफ डैश एच मेरा 5 है, एफ डैश एच मेरा 5 है, ओके। तो एफ डबल डैश एच मेरा 2/C2 माइनस C1 था, एफ डबल डैश एच मेरा 2/C2 माइनस C1 था जब मेरा एच C1 से C2 के बीच में लाई कर रहा है, और C2 माइनस C1 का मिनिमम डिफरेंस मेरे ख्याल से 1 आएगा, मेरा C2 माइनस C1 का मिनिमम डिफरेंस 1 आएगा, ये बात क्लियर हो रही है? तो C2 माइनस C1 0.4 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि C1 मेरा 1 से 2 में है और C2 मेरा 2 से 3 में, तो मिनिमम डिफरेंस तो 1 आ जाएगा,
ठीक है, मिनिमम डिफरेंस मेरा 1 आएगा, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, फिर एफ डबल डैश इक्वल टू 3 for all x, ये भी गलत, 4 all x ही तो बात ही नहीं कर सकते अपन, है ना। तो रिमेनिंग एक ही ऑप्शन सही आता है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 for some x बिलोंगिंग टू 1, 3। हाँ, C2 - C1 की मैं वैल्यू 1 तो कर ही सकता हूँ, C2 - C1 की वैल्यू मैं 1 कर सकता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी डी, दिस इज अ डेफिनेटली ट्रू ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना अच्छा सवाल था, कितना एनालिटिक सवाल था ना। इस टाइप का सवाल आई होप आप लोग सॉल्व करना जानते हो और करते हुए आए हो अब तक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर जेई, है ना। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम नॉर्मल्स, ठीक है, नॉर्मल्स पे सवाल है ये, ठीक है, नॉर्मल्स पे सवाल है। एट द पॉइंट P(a,a)(n) ऑन द ग्राफ ऑफ y = x^n, अ नॉर्मल इज ड्रॉन, द नॉर्मल इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट द पॉइंट 0, b। If limit a tending to 0, b equal to half, then n equals 2। तो ये जैसा सवाल है, इस टाइप के सवाल थोड़े और कॉम्प्लिकेट करो तो एडवांस में आते हैं, राइट। मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द एक्सिस एंड द नॉर्मल, है ना, उस टाइप में चले जाओ तो वो एडवांस में आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर लेंथी, कंसेप्चुअली ये टफ नहीं है। ठीक है, तो लेट अस से a,a^n पे मुझे नॉर्मल, मतलब एट एनी पॉइंट ए मुझे नॉर्मल चाहिए, तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, dy/dx = n(x^n-1)। ये टेंजेंट की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1/n(x^n-1), ये आएगी मेरी स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज माई एम नॉर्मल, राइट। मेरे नॉर्मल की जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू -1/n(x^n-1), और एच सी जगह क्या डालेंगे अपन, ए डालेंगे, तो नॉर्मल की स्लोप है -1/n(a^n-1)। अब उसने मुझे बोला है कि द नॉर्मल इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0, b, ठीक है, तो अपन नॉर्मल की इक्वेशन बनाएंगे, तो y-y1 - 1/n(a^n-1) x - a। यहां से y एक्सिस एट पॉइंट 0, b, ठीक है, तो y की जगह b डाल दो, और यहां से एरर टाइम्स माइनस ए, तो बी आ रहा है a^n-1/n(a^n-2), सॉरी 1 - n, n-2, ठीक है, दिस विल बी b। तो अब अगर मैं b को बना लूं तो b इज माई नथिंग बट n(a^n-2) -1/n(a^n-2). नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन है लिमिट a टेंडिंग टू 0, b, लिमिट a टेंडिंग टू 0, b बराबर है 1/2, तो n की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मुझे लिमिट लगानी है, तो लिमिट a टेंडिंग टू 0, b मतलब लिमिट a टेंडिंग टू 0
बी बन जाएगा, ये बन जाएगा एन टाइम्स ए की पावर 2n-2 -1 अपॉन एन टाइम्स ए की पावर n-2, ये बराबर मेरा 1/2 होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन एरर आई है, -a डालेंगे अपन। ठीक है, तो a की पावर n -1 अपॉन a टू द पावर n-2, तो ये बन गया n टाइम्स a टू द पावर 2n-1, दिस वन बाय n टाइम्स a टू द पावर n-2। तो जब ये मेरा 0 तो टेंड करेगा, तो ये चीजें जो है मेरी किस तरह से काम करेगी, सो दिस विल टेंड टू 0 और -1 बाय समथिंग 0। ओके, तो अगर ये चीज मेरी वर्क कर रही है तो फिर मुझे जरूरत है कि मैं ए टू द पावर एन माइ 2n-2 से जो है यहाँ पे ए टू द पावर 2n-2 से लिमिट एन टेंड टू ए टेंड टू 0 एन टाइम्स ए की पावर 2n-2, दिस इज अ फॉर्म विच इज नॉट रिजॉल्वेबल। और ऐसा फॉर्म आ रहा है, क्यों आ रहा है? आई होप सबने कुछ गलती ना की हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये पहली बार तो -1 -1 है, तो ये प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे -1 है ना, दिस वाज द नॉर्मल। ठीक है ठीक है ठीक है, पहली बार तो ये -1 है, तो ये ए टू द पावर एन बनेगा। ऑल राइट, दिस विल बी प्लस 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 आएगा ऊपर। नाउ ए टेंड टू 0, ठीक है, तो अगर मेरा ए टेंड टू 0 जा रहा है, ठीक है, तो 0 की पावर 0 जो है वो डिफाइंड नहीं है ना, बट 0 की पावर टेंडिंग टू 0 इज डिफाइंड। तो लिमिट ए टेंड टू 0 बी इज 1/2, तो अगर ये लिमिट मेरी डिफाइंड है, अगर ये लिमिट मेरी डिफाइंड है, तो मेरे पास कंडीशन बननी चाहिए कि जो एन की वैल्यू है दैट शुड बी 1। अगर एन की वैल्यू मेरी 1 आती है, अच्छा एन की वैल्यू इन दैट केस शुड बी -1। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर बाद। आई थिंक मेथड तो यही है सॉल्व करने का, नॉर्मल इंटरसेप्ट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0 B, मेथड तो यही है, कहीं पे अपन ही गलत गलती कर रहे हैं। नॉर्मल की इक्वेशन तो यही आएगी एट द गिवन पॉइंट, और ये इंटरसेक्ट करती है एट 0 B। तो लिमिट ए टेंड टू 0 अगर हाफ है, तो यार सम मिस्टेक इज देयर, देखते हैं बाद में देखते हैं। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, आई जैसे ये आप सब का आता है ना, विच आर द फॉलोइंग, बट ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज भी मेंस ऐसे सवाल पूछ देते हैं ना, ई टू द पावर पाई और पाई टू द पावर ही कंपेयर करना है ना। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो होता है कि e टू दी पावर एच और एच टू दी पावर ई को कंपेयर कर दो, एक तरीका तो ये है,
या फिर एक तरीका ये कि आप ई टू दी पावर एक्स से कंपेयर करो या ई टू दी पावर एल एन एक्स से कंपेयर करो। ये जैसे मैंने बोला कि ये जो पाई टू दी पावर ई है ना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू दी पावर ऑफ एल एन ऑफ पाई टू दी पावर ई। सही बात है ना, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉज की प्रॉपर्टी लगा दूं। तो या तो ई टू दी पावर एक्स और एक्स टू दी पावर ई कंपेयर करो, या ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एल एन एक्स कंपेयर करो। जैसे समझते हैं, पहले अपन ई टू दी पावर एक्स और एक्स टू दी पावर ई देखते हैं। तो एफ एक्स अगर मेरा ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स टू दी पावर ई है, तो मेरा जो एफ ऑफ वन है वो मेरा ई माइनस वन है, ठीक है, दैट विल बी माई ई माइनस वन विच इज पॉजिटिव। अब अगर मैं एफ डैश एक्स देखूं तो मेरा एफ डैश एक्स आएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टाइम्स एक्स टू दी पावर ई माइनस वन, ये बनेगा एफ डैश एक्स, राइट। तो अब अपन का एफ डैश एक्स के लिए नेचर चेंज नेचर चेक करना पड़ेगा कि ये तब पॉजिटिव है तब नेगेटिव है, ऑल दोस थिंग्स। अगर मैं एक ई कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स टाइम्स ई टू दी पावर एक्स माइनस वन। माइनस एक्स टू दी पावर ई माइनस वन, दैट इज अगेन वही फंक्शन बन गया, माइनस एक्स टाइम्स है ना। तो एफ एक्स तो एफ डैश एक्स बराबर मैं बेसिकली ऐसा बोल सकता हूँ कुछ ई टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, और मेरा एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसे पाई पे देखूंगा एक्स इक्वल टू पाई के लिए, तो ये मेरा बेसिकली जो एफ डैश एक्स है, ये मैं बोल सकता हूँ मेरा जो एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स जो आएगा मेरा ठीक है, तो इसको अपन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, राइट। और अगर तुम्हें थोड़ा सा और अगर इजी कंपेयर करना है ना, ये वाला मेथड हो जाता है टफ, इसलिए मैं ये वाला नहीं प्रेफर करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि अपन कंपेयर करें, जब जैसे मैंने ये लिख लिया ना एक्स है ना ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एल एन ऑफ समथिंग, लाइक ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर ऑफ एल एन एक्स, तो इन दोनों में से तो मुझे पता है कि एच सी हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है, एच सी हमेशा बड़ा आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा ई टू दी पावर पाई विल बी ग्रेटर देन पाई टू दी पावर ऑफ ई। तो ये वाला मेथड इज बेटर, ठीक है, फर्स्ट मेथड से भी जा सकते हो, फर्स्ट मेथड से भी जा सकते हो, नो डाउट। यहां से तुम देख सकते हो कि एच इक्वल टू पाई के अबाउट ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, है ना, ये इंडक्शन से तुम प्रूफ कर सकते हो। दिस इज एन गुड मेथड अगर तुम्हें सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, जैसा तो वहां इंडक्शन से तुम एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो, बट रादर देन दिस मेरे को तो लगता है कि तुम्हें बेस सेम कर लेना चाहिए ना, क्योंकि मुझे पावर सेम पावर कंपेयर करनी है। मैंने मेरे माइंड में दो फंक्शन बनाए, एक ये वाला बनाया और एक मैंने बनाया कि मैं कंपेयर कर लूं ई टू दी पावर एक्स और e टू दी पावर एल एन एक्स, राइट। इस टाइप से तो अगर ये पाई टू दी पावर ई है, अच्छा ई टू दी पावर पाई एंड पाई, अच्छा यहाँ पाई टू दी पावर ई था, सॉरी सॉरी सॉरी,
ओके तो एलेन ऑफ पाई टू द पावर ई और ई टू द पावर पाई। हाँ तो एक्स अपन का बेसिकली ये टेम्परेचर है ना, एक्स और एलेन ऑफ ठीक है ई टू द पावर, सॉरी एक बार ध्यान से देखना इस 8 मिनट, अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, इन्हें होने मत देना बस, ठीक है इन्हें होने मत देना, ठीक है इन्हें होने ना देना, ऐसी गलतियां होने देना बड़ी दिक्कत वाली बात है। जब मैं एक मेरे पास लिखा है ई टू दी पावर पाई और एक मेरे पास लिखा है पाई टू दी पावर ई, इस तरह मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर ऑफ एलेन ऑफ पाई टू दी पावर ऑफ ई, ये एक इधर ले लो, तो तुम्हें कंपेयर करना है ई टू दी पावर एक्स एंड ई टू दी पावर ऑफ ई एलेन एक्स, मतलब तुम्हें एच एंड ई टाइम्स एल एन एच कंपेयर करना है राइट। तो अगर मैं एक फंक्शन ले लूं एफ एक्स विच इज इक्वल टू एच माइनस ई एल एन एक्स, ठीक है तो एफ डैश एक्स मेरा आएगा 1 माइनस ई बाय, और अगर ये चीज मुझे पॉजिटिव चाहिए राइट, तो अपना जो f of 1 है, f of 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है f of 1 इज इक्वल टू 1, तो f डैश एच अगर मैं देखूं तो 1 माइनस c/h अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा h शुड बी ग्रेटर देन e, मतलब जब h मेरा ग्रेटर देन e है, जब मेरा एच इज ग्रेटर देन ई तो मेरा एफ डैश एच इज पॉजिटिव, एफ डैश एच पॉजिटिव है मतलब एफ एच मेरा इंक्रीज करेगा राइट। तो मेरा एफ ऑफ पाई, मेरा जो एफ ऑफ पाई है वो पॉजिटिव है, मेरा एफ ऑफ पाई पॉजिटिव है, इसका मतलब पाई इज ग्रेटर देन e टू दी पावर एल एन पाई, तो अपने पास डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ जाए कि e टू दी पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू दी पावर e, ठीक है इस मेथड से। नाउ आई होप आपको क्लियर हो रहा, ठीक है अपन ने एफ एच ले लिया एच माइनस ई टाइम्स एल एन एक्स, ठीक है और ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, मैंने e टू दी पावर पाई और e टू दी पावर ई एल एन पाई, इसी का आप एक तरीके से और से करते हो वो भी मैं बता देता हूँ, उस तरीके से भी आएगा कि आप कंपेयर कर लो ई टू दी पावर एच और एच टू दी पावर ई, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होता है ना। तो वैसे ये देखना जज करना जो बड़ी बात नहीं है, जब मेरा एफ एच बराबर ई टू दी पावर एच माइनस एच टू दी पावर ई है तो यहां मैं अगर एफ ऑफ 0 देखूंगा ना तो एफ ऑफ 0 मेरा 1 आएगा। अब मैंने अगर एफ डैश एच देखा तो एफ डैश एच मेरा आएगा ई टू दी पावर एच माइनस ई टाइम्स एच ई टू दी एच टू दी पावर ई माइनस 1, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि यहां से मुझे एफ डैश एच देखना है, अगर मैं ऐसे ई कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा e टू दी पावर एच माइनस 1 माइनस एच टाइम्स e टू दी पावर एच टू दी पावर ई माइनस 1, तो अब अगर मैं यहाँ एच सी जगह 1 डालू तो मेरा एफ डैश 1 कितना बन रहा है, मेरा एफ डैश 1 बन रहा है e टाइम्स एच सी जगह 1 डालो तो यहाँ 1 माइनस 1 0, तो एफ डैश 1 0 बन रहा है, ठीक है एफ डैश 1 0 बन रहा है, और इससे बाद अपन देख सकते कि 1 पे एफ डैश 1 0 बन रहा है, ठीक है और एफ ऑफ 0 मेरा 1 था, एफ ऑफ 0 मेरा
वन था और एफ डैश वन मेरा जीरो है। और अगर मैं एफ डैश टू निकाल लूं तो एफ डैश टू मेरा कितना है, जब एफ डैश टू आएगा मेरा ई टाइम्स ई माइनस टू टू द पावर ई माइनस वन, है ना। तो इनमें से तो ये लेस देन जीरो है ना, तो एफ ऑफ टू इज माई नेगेटिव और जीरो पे ये है पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो वन पे मैक्सिमा आ गया, ठीक है। ठीक है, तो उस लॉजिक से भी आप इस वाले सवाल को कर सकते हो। तो या तो यहां से कर लो, बट दिस इज अगेन अ टफ एनालिसिस। इतना टफ एनालाइज मैं क्यों करूं जब मेरे पास डायरेक्ट इसी से आंसर आ रहा है ना। नाक को सीधे पकड़ो, ऐसे उल्टे क्यों पकड़ोगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड याद रखना है ना। और ये स्ट्राइक कैसे करेगा, क्योंकि जब मुझे एक्सपोनेंट क्या करने होते हैं कंपेयर, तो मैं बेस सेम करता हूँ, राइट। आ जाए ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव नाउ गॉट अ क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड पास थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी। ये क्वेश्चन है जो मैंने देखा बहुत बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं, हालांकि ये मैं मानता हूं, हमेशा बोलता हूँ आसान क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों छोड़ते बच्चे। द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल उस, अच्छा जब बात की है मैंने, एक्चुअली मुझे पता है, जब मैंने बात करता हूँ टेस्ट के बाद स्टूडेंट से, डायग्राम बनाने में या तो दिक्कत आती है या इंटरप्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर एक रेक्टेंगल है मेरे पास जिसकी साइड लेंथ है ए और बी, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल है वो साइड पास थ्रू एंगुलर पॉइंट्स ऑफ गिवन रेक्टेंगल, तो जो मेरा दूसरा रेक्टेंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। दूसरा रेक्टेंगल मेरा ऐसा कुछ बनना बनेगा, डायमंड शेप, ठीक है। फील आ रही है, ये फिगर बनेगा, ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे। लेट अस से ये अपोजिट साइड एक्स है और ये अपोजिट साइड वाई है। तो अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो मेरा ये एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो है मेरे इक्वल होंगे, है ना। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी तो लगती रहती है। और अगर ये थीटा है तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी मेरा 90 माइनस थीटा ही होगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट देख सकता हूं कि अगर मैं ये वाला लेंथ देखूं, इतनी लेंथ, तो ये वाली लेंथ मेरी कितनी आएगी बच्चे, ए कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। ये लेंथ मेरी ए कॉस थीटा आ जाएगी। सिमिलरली ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना मेरे भाई, ठीक है। और ये लेंथ मेरे पास बी कॉस थीटा आ जाएगी, सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से दिस लेंथ विल बी ए साइन थीटा एंड दिस लेंथ विल बी बी साइन थीटा, राइट। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्री क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री लगी इधर। एक बार फिगर बनाना हाथ से, ठीक है, हाथ से फिगर बनाना, समझ में आएगा, ठीक है। ये कैसे लिखा सर,
तो ये वाली जो साइड ऑफ द रेक्टेंगल आएगी ये आ जाएगी क्रॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और ये वाली साइड आएगी साइन थीटा टाइम्स ए प्लस बी, और एरिया आ जाएगा इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट। तो जो मेरा एरिया बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका मैक्सिमाइज करना तो हमें आता है ना, हमें से बिना कुछ करे भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट? कोई कैलकुलस लगानी है क्या? पता है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे मैक्सिमाइज होता है, जहां इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो आंसर आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 2। तो बताओ ये सिर्फ इतने से लाइन का सवाल है, अगर ये डायग्राम बन जाए और ट्रिग्नोमेट्री लग जाए, डायग्राम नहीं बना ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी तो ये सवाल नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि ज्योमेट्रिक वाले सवाल आप जितने ज्यादा कर सकते हो कर लो, एलिप्स और रेक्टेंगल वाला सवाल तो फेमस होता ही है कि एलिप्स में रेक्टेंगल डाल दिया, एलिप्स में स्क्वायर डाल दिया, उस टाइप के सवाल प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो उसने दे रखी है, इज अ पॉलिनोमियल इन रियल वेरिएबल एक्स, देन एफ एक्स हैज नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम, ओनली वन मैक्सिमम, ओनली वन मिनिमम, वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमम। अच्छा, तो एफ डैश एक्स से रूट सी बात हो रही है, पहली बात तो है ना, तभी मैक्सिमम मिनिमम आएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्या बनेगा, 100 स्क्वायर एक्स टू द पावर 99, ठीक है, 100 स्क्वायर एक्स टू द पावर 99 प्लस 99 स्क्वायर एक्स टू द पावर 98, ऐसे चलेगा अप टिल 2 स्क्वायर एक्स प्लस 0, ठीक है। तो इस तरह का ये पॉलिनोमियल आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इससे मुझे सीधे सीधे से रूट दिख ही रहा है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो बेसिकली ये चीज 0 आएगी, है ना? अच्छा एक मिनट, सारी जो है तो ये 97 आएगा। तो एफ डैश एक्स अगर मेरा 0 है तो एक्स इक्वल टू 0 मेरा 2 आएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 विल बी अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जैसे ही अपन ने एक्स पे लेस देन 0 ले, ठीक है, दिस इज माय एफ डैश एक्स, राइट? इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा एफ डबल डैश एक्स। मैं अगर एफ डबल डैश एक्स की बात करूंगा तो वो मेरे को कुछ ऐसा सा दिखेगा, 100 स्क्वायर इंटू 99 इंटू एक्स की पावर 98, ठीक है, प्लस 99 स्क्वायर इंटू 97, 99 स्क्वायर, अरे यार 98 स्क्वायर, सॉरी, तो 98 स्क्वायर इनटू 97 इनटू एक्स की पावर 96 एंड सो ऑन टिल 2 स्क्वायर इनटू 1 टाइम्स एक्स प्लस 2 स्क्वायर इनटू 1 = 0, दिस विल बी माय एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। और ये मुझे पता है ये सारे इवन डिग्री के टर्म्स है, ये सारे इवन डिग्री के टर्म्स है, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया ना, सम ऑफ ऑल इवन डिग्री अगर है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मेरा एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल,
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल मेरा एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट? ऑल राइट, तो जब मेरा एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल, तो मेरा एफ डैश जीरो जीरो है और उससे बाद ये कभी जीरो नहीं होगा, राइट? और यहां से ये इंक्रीज ही करेगा, तो इसका मतलब यहां से ये पॉजिटिव है और जीरो से पहले नेगेटिव है, ठीक है? तो इस टाइप की भी सिचुएशन आ रही है, समझे? एफ डबल डैश एच सी टी मेरा हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डैश एच से तो एक ही रूट बन सकता है ना, क्योंकि एफ डैश जीरो जीरो है, तो जीरो से बड़ी वैल्यू से ले वो पॉजिटिव हो जाए, जीरो से छोटी वैल्यू से ले नेगेटिव हो जाए, बात इतनी सी है, ठीक है? तो बस ये एनालिसिस हमने लगा दिया, तो ओनली वन आएगा। अब वो मैक्सिमम है या मिनिमम है आपको ये जज करना, तो ये वाला रीजन पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, मतलब यहां से यहां तक ये इंक्रीज हुआ, यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ और यहां से यहां तक वो इंक्रीज हुआ, ठीक है? तो दिस इज द मिनिमम, ओनली वन मिनिमम, ठीक है? दिस इज द मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू आई, राइट? ऑल राइट, ठीक है। अब तुम्हारा एफ एक्स खुद भी तो एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, वैसे तुम देखो तो एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स तो इक्वल ही आएंगे, है ना? एफ डबल डैश एक्स, और मतलब बेसिकली दिस इज अ वो एफ डैश एक्स तुम्हारा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो इसका एक सिंगल रूट आएगा, तो ऐसे ही जाएगा, राइट? तो ओनली वन मिनिमम, दैट इज एट एक्स इक्वल टू जीरो। वैसे इसमें तो अपन तो इतना तो चढ़ना ही नहीं था यार, ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका मिनिमम तो एक्स इक्वल टू जीरो ही होगा, बहुत ही इजी सवाल, बट मैंने तुम्हें ये एज एन एनालिसिस सिखा दिया, ठीक है? एज एन एनालिसिस ये मैंने तुम्हें सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height 30 centimeter and semi-vertical angle 30 degree is। तो मेंस में जैसा कि मैंने आपको बोला 2D और 3D ज्योमेट्री दोनों के ये मेंसुरेशन वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं AOD में ना, हर बार हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये वाली वैरायटी जो है पूरी पूरी तरह से कर ले, दिस वैरायटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, ठीक है? और यहाँ मैं क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, तो जब मैं करवा रहा हूँ तो तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। इसके बाद ट्राई टू सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वैरायटी एज यू कैन ऑन योर ओन, ठीक है? कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ठीक है? तो एक क्रोन हो जाए ऐसा, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा ना अच्छे से याद रखनी, बोर्ड्स में भी काम में आते हैं ये क्रोन वाला, ऐसा बना लो तुम, ठीक है? ओके, इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है? सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। अब इसमें मैंने सिलेंडर बना दिया, ठीक है? एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, जिसकी हाइट लेटेस्ट से एच है, ये रेडियस मेरी आर है, और इस पूरे क्रोन की हाइट कितनी है, पूरे क्रोन की हाइट है मेरी 30 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखूं, दिस वन, तो ये वाला जो डायमेंशन है ये है 30 माइनस एच, राइट? और ये है मेरा आर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan 30 इक्वल टू आर अपॉन tan 30 इज इक्वल टू आर अपॉन 30 माइनस एच।
तो यहां से अपने पास वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू आएगी आर अपॉन 30 माइनस h। तो h आएगा 30 माइनस r√3। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। हाँ, ग्रेटेस्ट सिलेंडर, तो v होता है पाई r2 h। तो ये बन जाएगा पाई r2 टाइम्स 30 माइनस r√3। तो ये मैक्सिमाइज कब होगा, ये बन गया v एज अ फंक्शन ऑफ r। तो मैक्सिमाइज होगा जब v डैश आर 0। तो अपन ने v डैश आर 0 करा, तो v डैश आर तुम्हारा बेसिकली, अगर मैं पाई कांस्टेंट हटा दूं, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो v r का इतना वाला पोर्शन कंसीडर करता हूँ और इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 60 r − 3 r2√3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है विद नेगेटिव कोएफिशिएंट, है ना। तो आर की जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा के लिए ही आएगी, राइट। तो आर टाइम्स जो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, राइट, 60 − 3√3 बराबर 3 r√3 बराबर 0। तो आर आ जाएगा 20/√3। तो ये वैल्यू अपन यहां पे डाल देंगे, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 400/3 इंटू 30 − 20, दैट इज 10। तो ये बन जाएगा 4000π/3। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखा, बिल्कुल आसान सवाल। मैंने बच्चों को देखा है इसमें फंसते हैं वो इन डायग्राम बनाने में ना। तो डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। ऐसे ही मेंस में PYQ था कि ये रेक्टेंगल से हमने यहाँ से ये सारे आपको पता है, आपके 10th NCERT सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही है। आपके जो 10th मेंस में सवाल था कि ये रेक्टेंगल शीट से हमने इतना इतना स्क्वायर काट दिया और रिमेनिंग से हमने क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। मतलब इस तो जितना जितना काट दिया उसे हटाओगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, इससे क्यूबॉइड बनाया तो मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना। तो वो वाला भी ट्राई करना, है ना। PYQ सारे करते जाना मेन से। मैं सारे PYQ इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं तुम्हें मैक्सिमम कंसेप्ट करवाना चाह रहा हूँ। PYQs आर नॉट ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो PYQ में कम हो, बट इस साल आ गया, है ना। इसलिए मैं हर सारे PYQ नहीं करवाता हूँ, मैं वो PYQ कराता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो मतलब एडवांस में भी इंपॉर्टेंस रखते हैं ना ये वाली वैरायटी। ये वैरायटी मतलब मैं जब पढ़ता था तब भी टीचर लोग ये वैरायटी का क्वेश्चन हमेशा लाते थे। मैंने जितने भी लास्ट लास्ट में टेस्ट दिए हैं 2 से 3 बार ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा। ये एक हाईली एनालिटिकल सवाल है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है यूज हो रहा। इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज सीखने को आपको मिलेगी सिर्फ एक क्वेश्चन से, ओनली वन क्वेश्चन, सिंगल प्रॉब्लम और बहुत सारी लर्निंग आपको। मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, ये थोड़ा थियोरेटिकल है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, है ना, क्यूबिक इक्वेशन। देखो ये हो सकता है तुम्हें ना आता हो, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम ये पढ़ लो, ठीक है। ये पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझना। देखो f(x) अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो f'(x) मेरा क्वाड्रेटिक आएगा। तो मान लेते हैं f'(x) से कोई नो रियल रूट्स, ठीक है, f'(x) हैज नो रियल रूट्स, तो उस केस में तो तुम इजीली बोल सकते हो कि f(x) का सिंगल रूट है ना। f(x) का सिंगल रूट क्यों, क्योंकि f'(x) हैज नो रियल रूट्स, तो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। इसका मतलब f'(x) इज आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव,
सन ऑफ एफ एक्स या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो एट रूट तो आए थे क्योंकि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो वो एक बार तो ऐसे काटेगा, बट उससे बाद या तो बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो अगर एफ डैश एक्स हैज नो रूट्स तो सिंगल रूट, लेकिन मान लेते हैं एफ डैश एक्स के रियल रूट है अल्फा वन एंड अल्फा टू, ठीक है, अल्फा वन एंड अल्फा टू। तो अब ये तुम याद रखना कि अगर एफ ऑफ अल्फा वन इंटू एफ ऑफ अल्फा टू लेस देन जीरो है तो तुम्हारे पास आते हैं थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो आते हैं थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अगर एफ ऑफ अल्फा वन इंटू एफ ऑफ अल्फा टू मान लो इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसमें रिपीटेड रूट है, ठीक है, इट हैज अ रिपीटेड रूट, ठीक है। और अगर क्यूबिक में रियल रूट रिपीट हो रहा है मतलब वो तीन ही बार रिपीट हो रहा है, दो बार तो रिपीट हो नहीं सकता क्योंकि इमेजिनरी पेयर, इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो एफ ऑफ अल्फा वन इंटू एफ ऑफ अल्फा टू अगर जीरो हो रहा है तो देयर इज अ रिपीटेड रूट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसने बोला है इस इक्वेशन के थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है अल्फा बीटा गामा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा 8 है देन वैल्यू ऑफ सी। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मैं एफ डैश एच से रूट्स चेक करता हूं, तो मेरा जो एफ डैश एच है वो आ रहा है 3x² - 18x + 24 = 0, ठीक है। तो अगर मैं यहीं से फैक्टराइज कर लूं तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है x² - 6x + 8 = 0। तो एफ डैश एच आएगा x - 2 * x - 4 = 0। तो हमारे पास 2 और 4 पे जो है एफ डैश एच से रूट्स है, और यहां से ऐसा कुछ बन जाएगा एफ डैश एच, ठीक है। तो ये तो अपना एफ डैश एच का साइन स्कीमा आ गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहां से देखो कि पहले तो ये इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमा और ये आएगा मिनिमा, ठीक है, ये आएगा मैक्सिमा और ये आएगा मिनिमा, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। अब अपन देख लेते हैं, हमें पहले सी की रेंज चाहिए, राइट, बट सी की रेंज हमें इस कंडीशन पे भी चाहिए एंड इस कंडीशन पे भी चाहिए, थ्री रियल डिस्टेंट रूट, सो राइट। तो अपन जो क्या पता है कि एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ फोर मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ फोर मेरा लेस देन जीरो, तो जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास बनेगा c + 20 * c + 16 शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। तो c मेरे पास आएगा -20 से -16 के बीच, बट ये कौन सा है, ये फाइनल आंसर तो हुआ ही नहीं अभी, अभी तो ये वो कंडीशन है कि मेरे पास थ्री डिस्टेंट रियल रूट्स है, ये कंडीशन है थ्री डिस्टेंट रियल रूट्स की। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन बिगिंस, क्वेश्चन है कि मुझे ये चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा 8 चाहिए। तो अब हमें बहुत अच्छा सोचना है कुछ, देखो अब तुम्हारा माइंड कैसे चलना चाहिए मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो तुम्हारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, मुझे एक चीज पता है, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बड़े अच्छे से बता सकता हूँ अगर एक्स दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में आ जाए, तो मैं सीधे सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बता सकता हूँ। अगर ये दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच आ गया ना तो डन है, डन है। तो बस मुझे से दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो अपन इसे दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में ले आएंगे, तो लेट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं।
मैंने बोला, मैंने एक्स की जगह डाला जीरो, मैंने एक्स की जगह जीरो डाला, तो जो ग्राफ है वो मेरा सी से स्टार्ट होगा और सी नेगेटिव है, दैट इज ये बहुत नीचे से कहीं से स्टार्ट होगा, -20 से -16 के बीच में। -20 अगर इधर है, -16 इधर है, तो ये यहां से तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद ये क्या है कि अब मैं थोड़ा थोड़ा वैल्यूज चेक करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई वुड नीड टू चेक कि मेरा कहाँ पे कैसा कैसा बनता है। तो मेरा एफ ऑफ जीरो तो मुझे पता चल गया लेस देन जीरो आएगा, राइट। एफ ऑफ जीरो तो सी आएगा, विच इज लेस देन जीरो। अब मैंने एफ ऑफ वन चेक करा, मेरा एफ ऑफ वन क्या बनेगा, मेरा एफ ऑफ वन क्या बनेगा, मेरा एफ ऑफ वन बनेगा 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 प्लस 24 प्लस सी, ये बनेगा मेरा 16 प्लस सी। लेकिन मेरे सी की रेंज क्या थी, -16 से -20, तो 16 प्लस सी विल बी लेस देन जीरो, राइट, क्योंकि सी मेरा -16 से छोटा है। तो 16 प्लस सी लेस देन जीरो, तो एफ ऑफ वन भी पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ वन भी मेरा नो डाउट पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ वन भी मेरा निगेटिव आएगा, -16 से थोड़ा ऊपर आएगा। तो जीरो और वन के बीच में तो रूट नहीं है, जीरो और वन के बीच में तो रूट नहीं है। अच्छा, फिर वन, अब उसने हमें बोला कि एफ डैश 2 0 है ना, तो अब अपन का एफ ऑफ टू चेक करना तो बनता ही है। टू और फोर पे तो चेकिंग बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है, टू और फोर पे चेकिंग करना बहुत जरूरी हो जाती है। तो जैसे ही मैंने टू पे चेक करा, मेरा एफ ऑफ टू क्या बनेगा, ठीक है, मेरा एफ ऑफ टू मैंने बनाया, तो एफ ऑफ टू मेरा बन रहा है 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस सी, 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस सी, ये बन जाएगा -24 प्लस 48, ठीक है, सॉरी, ये कितना बनेगा, -26 प्लस 48, दैट इज 22 प्लस सी। और ये चीज मेरी हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि सी -20 से छोटा है, सी -20 से छोटा है, तो ये चीज मेरी हमेशा पॉजिटिव आएगी। मतलब एफ ऑफ वन मेरा लेस देन जीरो है, एफ ऑफ वन लेस देन जीरो है, और एफ ऑफ टू मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरे पास पहला रूट आ रहा है, अल्फा जो है मेरा 1 से 2 के बीच में आएगा। सही बात, मीन वैल्यू थ्योरम, 1 से 2 के बीच में मेरा अल्फा आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी रोल, ये वो है डेस्ट्रेटेस थ्योरम। अब मुझे नहीं पता आपने ये थ्योरम किस नाम से पढ़ी है, बट ये डेस्ट्रेटेस थ्योरम है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा मेरे पास 1 आ जाएगा, और 8 रूट आ गया 1 से 2 के बीच में, और ये 2 तक जाएगा, ठीक है, और 2 पे जो है इट विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है ना, वो समझ जाओ। 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 2 पे इसकी मैक्स वैल्यू आएगी, और यहां से भी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो 2 और 4 और इनका इंटरमीडिएट 0.3 ले लेते हैं, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा 1 आ गया। अच्छा, अब 2 पे एनालाइज करना है, ठीक है, अब अपन एफ ऑफ 4 से स्टार्ट करते हैं, राइट, एफ ऑफ 4 देखते हैं। मेरा एफ ऑफ 4 क्या बन रहा है भाई, मेरा एफ ऑफ 4 बन रहा है, माय एफ ऑफ 4 इज, 4 डालूंगा इधर, तो ये बनेगा 64 -144 प्लस 96 प्लस सी, 64 माइनस 64 माइनस 144 प्लस 96 प्लस सी, इस पर कंप्यूट करोगे तो ये कितना आएगा, 64 और 96 आता है 160, राइट, हाँ 64 और 96 आता है 160, और 160 से 144 गया अगर, तो ये आता है 16, तो 16 प्लस सी, तो एफ ऑफ 4 भी मेरा जो है लेस देन जीरो आ रहा है,
और अगर मैं एफ ऑफ फाइव ऐसे निकालूंगा ना, तो अब आप एफ ऑफ फाइव निकालना और आप पहुंचे वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो एफ ऑफ फाइव इज मेरा ऑलवेज पॉजिटिव और मेरा एफ ऑफ फोर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो फाइव और फोर के बीच में मेरे पास एक रूट आ रहा है, फाइव और फोर के बीच में मेरा एक रूट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कैसा भी जा रहा हूं वहां से मुझे मतलब नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा वन आ गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा मेरा फाइव आ गया, राइट। तो अब सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा मेरा फोर आ गया, है ना। गामा क्योंकि है ना, क्योंकि गामा मेरा फोर से फाइव के बीच में आएगा। तो अब मेरे को तो एक ऐसा रूट ही चाहिए जो थ्री और फोर के बीच में लाई करता हो, जो थ्री और फोर के बीच में लाई करता हो, क्योंकि मेरे पास अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा एट चाहिए। मेरे को उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा एट है। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा है उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू वन एंड फोर फाइव एंड एट माइनस फाइव इज थ्री। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा शुड बी थ्री। ये चीज मुझे समझ में आ रही है। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा मेरा थ्री है तो मुझे सीधे सीधे से पता चल रहा है कि बीटा मेरा थ्री से फोर के बीच में आना चाहिए। और मैंने पता कर लिया कि मेरा एफ ऑफ फोर नेगेटिव है तो मेरा एफ ऑफ थ्री तो पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा एफ ऑफ थ्री तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है। मेरा एफ ऑफ थ्री पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब अगर मैं एफ ऑफ थ्री चेक करता हूँ तो मेरा एफ ऑफ थ्री क्या बनेगा, एफ ऑफ थ्री मेरा बनेगा 27 माइनस 81 प्लस 72 प्लस सी। तो ये आई थिंक आएगा आपका सी प्लस 18, देखो। हाँ ये बन रहा है सी प्लस 18, ठीक है। 27 माइनस 9 18, आपका एफ ऑफ थ्री आ रहा है सी प्लस 18। तो ये मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो अगर सी प्लस 18 ग्रेटर देन जीरो है तो सी शुड बी ग्रेटर देन माइनस 18, सी शुड बी ग्रेटर देन माइनस 18। तो माइनस 18 से बड़ा और माइनस 16 से छोटा, ये मेरी रेंज बन जाएगी सी। तो आंसर आना चाहिए माइनस 18 से माइनस 16, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझे ये क्वेश्चन कैसे हुआ, हाईली एनालिटिकल प्रॉब्लम। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे मैं तुम्हें सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तुमने एफ डैश एक्स निकाला, तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट लगाए जो मैंने तुम्हें सिखाया, एफ डैश एक्स वन इंटू एफ डैश है ना। फिर तुमने ये वाली कंडीशन लगाई, एफ डैश एच से रूट निकाले, अल्फा वन अल्फा टू, एफ ऑफ अल्फा वन इंटू एफ ऑफ अल्फा टू तुमने लेस देन जीरो किया, उससे तुम्हारे पास सी की रेंज आ गई। सी तुम्हारा इसी रेंज में आना चाहिए। सी मेरा अगर इसी रेंज में आता है तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि मेरे पास सी की रेंज आ गई। अब मुझे एफ एच का ग्राफ बनाना है और मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा चाहिए। तो मैं हमेशा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर से बीच में एनालिसिस अपना लगाऊंगा, ठीक है। आई विल ऑलवेज एनालाइज बिटवीन दी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ये स्ट्रेटेजी बना ली मैंने। अब मैंने बोला मैं दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर लूंगा जो मेरे अराउंड होंगे ये एक्सट्रीमास, और एक मुझे एक की रेंज मुझे मिल जाएगी, राइट। दो मैं अराउंड एक्सट्रीमास एनालाइज करूंगा और एक की रेंज मुझे मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि दो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मिल गए, है ना। ये प्लस ये एट है और इन दोनों की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो बस अब इसी वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू आ गई तो इसी रेंज भी आ गई। समझ रहे ना मेरी बात, इसी वैल्यू आ गई तो इसी रेंज भी आ गई और इसी रेंज आ गई तो बस बहुत आसान हो गया सवाल, ठीक है। इसी रेंज आ गई मेरे पास तो बस इसकी जैसी रेंज आएगी तो मेरे पास जैसे इधर बना कि थ्री से ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री आना चाहिए तो मेरा रूट थ्री से फोर के बीच में लाई करे, मेरा रूट थ्री से फोर के बीच में लाई करे। तो एफ ऑफ बीटा
शुड बी पॉजिटिव। जैसे यहाँ है मैंने कंडीशन बनाई है ना जी, एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ फोर, मतलब मेरे पास आना था एफ ऑफ थ्री इंटू एफ ऑफ फोर शुड हैव बीन नेगेटिव, और एफ ऑफ फोर मेरा नेगेटिव था तो एफ ऑफ थ्री मेरा पॉजिटिव ही आएगा, राइट? ये समझ लेना। तो इस तरह से मुझे एनालाइज करना है, ठीक है? तो नाउ दिस क्वेश्चन, आपका अगर ऐसा सवाल मेंस में आता है तो ये आपका सही हो जाना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये टफ नहीं है बट मुझे ये क्वेश्चन बहुत मजा देता है, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल लगता है इसलिए मैं हमेशा लेता हूँ। ये एक क्वेश्चन है ओडी के काफी काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेता है, ठीक है? नाउ वी कम टू द फैमिली जो एओडी की सबसे फेवरेट है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो एक तरह से देखा जाए ना तो एओडी की जब हम लोग बात करते थे डेरिवेटिव की, तो वो कहीं ना कहीं मैक्सिमा मिनिमा पे बातें हुई, और मैक्सिमा मिनिमा का ये जो कॉन्सेप्ट ही बना ना, ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल से लिए बना था। तो एओडी में इसलिए ये वाला कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप नंबर ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से एनालाइज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, अच्छा ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही है बट यहाँ पे आर आ गया, ठीक है? ये इज होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए टू डी आपके पास चार दिए हैं, मतलब मुझे चारों ऑप्शन से एनालाइज करना, ऐसे ना हो मेरे पास स्विच चॉइस नहीं है। तो ये बेसिकली चार सवाल है, ये एक नहीं है चार क्वेश्चन, और ये हो गया आपका एक एडवांस लेवल सवाल, राइट? बट आज से तो मेंस आ ही रहा है एडवांस लेवल पे, तो करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली फोर रियल सॉल्यूशंस, x to the power 4 plus 2x square minus 6x plus 2 equal to 0. This has exactly four real solutions. अच्छा, तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं, ये वाली इक्वेशन लेता हूं, ठीक है? तो इसमें मैंने f dash x लिया, ठीक है? इसमें मैंने f x बोल दिया थोड़ी देर के लिए, तो एफ डैश एच लिया, तो एफ डबल डैश एच तक भी जाना पड़ सकता है, डरना मत भी। एफ डैश एच पे एनालाइज करते हैं 4x पे ना, क्योंकि मुझे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा। तो एफ डैश एच आ रहा है 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 6, ठीक है? और एफ डबल डैश एच आ रहा है मेरा 12x स्क्वायर प्लस 4। अब एक चीज, अब अपन का बहुत सारी चीज क्लियर हो गई, मेरा एफ डबल डैश एच तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एफ डैश एच मेरा इंक्रीजिंग है। एफ डैश एच मेरा कैसा है? इंक्रीजिंग है। अच्छा, और एफ डैश एच का सिर्फ एक ही रूट है, एफ डैश एच का सिर्फ एक रूट आएगा, वन रूट। तो उस रूट के बाद लेट अस से एफ डैश एच की एक रूट आई, यहाँ पे एफ डैश एच आया जीरो, उससे बाद वो सिर्फ पॉजिटिव जाएगा और इससे नीचे सिर्फ नेगेटिव जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा एफ डैश एच का, ठीक है? समझ रहे हो? तो एफ डैश एच का एक ही रूट आएगा, ठीक है, राइट? और उससे बाद वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। अब मैंने ये एफ अपना उठा लिया फंक्शन, ठीक है, इसकी मैंने वैल्यूज तो जांचना शुरू किया, तो एफ ऑफ जीरो तो मेरा टू आ गया, ठीक है? एफ ऑफ जीरो मेरा टू आ गया, तो जीरो के इधर तो कोई रूट हो ही नहीं सकता है ना, जीरो के राइट साइड में तो कोई रूट हो ही नहीं सकता है, जो भी रूट आएगा जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा। मान लो जीरो के लेफ्ट साइड में मुझे एक रूट मिल गया, जीरो के लेफ्ट साइड में मुझे एक रियल रूट मिल जाता है, ठीक है? समझना, जीरो के राइट साइड पे तो कोई रूट नहीं मिल सकता, ये तो एकदम ही क्लियर है, ठीक है? क्यों नहीं मिल सकता जीरो के राइट साइड में रूट? क्योंकि यहां से तो उसे बढ़ना है, तो एफ ऑफ जीरो ही अगर टू है तो टू से ये सिर्फ पॉजिटिव जा सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा, है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जीरो के लेफ्ट साइड पे लेट अस अज्यूम एक रूट मिल गया अल्फा, तो यहाँ पे ये जीरो हो, यहाँ पे जीरो हो गया और इसे डिक्रीज करेगा, तो बस अब ये नेगेटिव जाएगा, फिर से जीरो तभी नहीं आएगा, it will always decrease. इसका मतलब fx का at max एक ही सिंगल रूट हो सकता है,
पर एफ एक्स क्या है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। तो पहली बात तो ये वाला वैसे ही वो हो जाए इनडायरेक्ट कि फोर रियल सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, प्लस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सर एक ही सोल्यूशन आएगा और वो सोल्यूशन क्या आएगा, दैट सोल्यूशन विल बी इमेजिनरी, है ना। इसे चारों इमेजिनरी सोल्यूशन आएंगे, ऑल सोल्यूशंस आर इमेजिनरी। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी पे आओ। एक्स टू द पावर 5 + 5x + 1 हैज एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो यार पॉलिनोमियल के भी कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए कि कॉन्जुगेट पेयर में रूट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये मेन सा एक इंडिपेंडेंट सवाल हो सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर तुम ये एनालिसिस नहीं कर पाते कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इस टाइप से नहीं लगा पाते तो फंस जाते हैं ना इंटीजर टाइप में, इसलिए तो मैं एक एक चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम ये पूरी पूरी वीडियो देखना, अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो फंसो जाए, मेंस में आएंगे ये सवाल। बी देखते हैं, बी कह रहा है एक्स टू दी पावर 5 + 5x + 1 = 0। इसने एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशंस, मुझे पता है एक ऑड डिग्री इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हमेशा होता है, ऑड डिग्री इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा होता है, तो वो मैं कहीं भी मान लेते हैं अभी अल्फा। फिर मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स मेरा आ रहा है 5x^4 + 5, तो एफ डैश एक्स अगेन एफ डैश एक्स नो रियल सॉल्यूशन, ये हमेशा इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। एफ डैश एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एफ एच इज इंक्रीजिंग, तो इसका जीरो के बियॉन्ड तो कोई रूट हो ही नहीं सकता है, जीरो के बियॉन्ड तो कोई रूट हो ही नहीं सकता है, राइट। जीरो के बियॉन्ड आपका कोई रूट बनेगा नहीं, ये बात क्लियर आ रही है, समझ आ रही है क्या। जीरो के बियॉन्ड कोई रूट आएगा नहीं, जैसे अभी हमने इसमें किया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ ऑफ जीरो वन है, तो जैसे ही मैं जीरो के राइट हैंड साइड जाऊंगा वन से भी बड़ी वैल्यू होगी, जीरो नहीं आएगी, तो जीरो पॉजिटिव नंबर में रूट नहीं है, रियल नेगेटिव नंबर साइड चल दो, नेगेटिव की तरफ चलते। अच्छा नेगेटिव में जाएंगे तो फिर एफ डैश एच इज अगेन पॉजिटिव, मतलब वो इंक्रीजिंग है, राइट। एफ डैश एच यहाँ पे इंक्रीज करेगा नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो लेट अस से एक तो ऐसा रूट जीरो बन भी गया, एक तो इसी वैल्यू जीरो बन भी गई, तो एफ डैश एच तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एच तो पॉजिटिव है, एफ डैश एच तो पॉजिटिव है, तो ये तो अब ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब नेगेटिव। अब जो वैल्यूज आएंगी वो छोटी छोटी आएंगी, वन से छोटा 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 सब आएगा। लेट अस से एक रियल रूट मिल जाए, है ना, क्योंकि एफ ऑफ जीरो मेरा वन है, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक नेगेटिव रियल रूट आ गया अल्फा, एफ ऑफ अल्फा जीरो मान लिया मैंने, ठीक है, एफ ऑफ अल्फा जीरो। अब मैं जब अल्फा के लेफ्ट में जाऊंगा तो ये वैल्यू तो और छोटी होती जाएंगी, क्योंकि अल्फा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो नेगेटिव नंबर अल्फा से लेफ्ट में मैं जाऊंगा तो वैल्यूज और गिरती जाएंगी, मतलब नेगेटिव, मतलब इससे अलावा मुझे कोई रियल रूट मिल ही नहीं सकता। तो एट मैक्स इससे 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, डिग्री 5 है, 3 रूट बचे, 3 रूट इमेजिनरी हो नहीं सकते, ऑड नंबर ऑफ रूट्स आर नेवर बी इमेजिनरी, इसका मतलब इसका एक ही रियल रूट है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत। देखो ये एनालिसिस समझ नहीं आया ना तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, ठीक है, और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सवाल है, और ये अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट हिला हुआ है, वो तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर तुम किताबों में देखोगे वो ड्राफ्ट ड्राफ्ट बनाते रहते थे, वो ड्राफ्ट ऐसे बनते हैं, ड्राफ्ट तो बनाना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो एक ही रियल रूट आ सकता है, राइट। तो ये वाला भी क्या, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। x टू द पावर n + ax + b = 0, वेयर n इज एन इवन
नेचुरल नंबर हैज एट मोस्ट टू रियल सॉल्यूशंस, एट मोस्ट टू मतलब मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। हाँ तो ये तो थोड़ा सा गलत है, एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एक्स प्लस बी, ये तो तुम ज्यादा एनालिसिस लगा ही मत, तो ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो, उसे जल है एटमोस्ट टू रियल सॉल्यूशन, राइट। अगर मैं जो ऐसा भी एक एग्जाम्पल ले लू, लेट अस से एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स और माइनस टू, ठीक है, इस टाइप में मैंने जो एक एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको मैं ऐसे ऐसे ब्रेक कर लू, एक्स टू दी पावर फोर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, यहां से एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू, और यहां से मेरे पास एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो ये बना एक्स प्लस वन, है ना, तो यहां से एक्स माइनस टू मेरा कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो, ठीक है, यहाँ इससे तो दो रूट है, बट यहाँ पे मान लो प्लस एक्स माइनस टू होता तो ये प्लस टू एक्स होता, ये माइनस एक्स होता, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा बनता एक्स टाइम्स एक्स क्यूब प्लस टू, और इधर पे बनता तुम्हारा प्लस वन टाइम्स माइनस वन टाइम्स एक्स माइनस टू, तो अब तुम्हारी इक्वेशन पता है क्या बनती, एक्स प्लस टू है, तो अब तुम्हारी इक्वेशन यहाँ से तुम एक्स प्लस टू कॉमन ले लेते, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस टू तो तुम्हें पता ही है ना, फैक्टराइज हो जाता, तो इसके इस इक्वेशन के तुम्हारे दो से ज्यादा रियल रूट है, दो से ज्यादा रियल रूट है, ठीक है, अरे हाँ यार वो टू की पावर क्यूब रूट में आ जाएगा, समझ गया समझ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये तो तुम एग्जाम्पल लेके ही सॉल्व कर सकते हो, तो ये तो फटाफट से जो है मेरा रिजेक्ट हो गया, तो बचा ही ऑप्शन डी टू बी करेक्ट, आंसर ऑप्शन डी है। अब तुम्हारा काम है भैया डी खुद से निकालो, मैंने तुम्हें तीन एग्जाम्पल करके बता दिए, चाहो तो इसे कैलकुलस से भी एनालाइज करके देख लेना, बहुत इजी है, इसको तो कैलकुलस से तुम इजीली एनालाइज कर सकते हो, वही एफ डैश एच हैज टू सॉल्यूशन, टू रियल सॉल्यूशन फॉर एच बिलोंग्स टू जीरो टू वन, तो अगर जीरो डाला तो ये बन गया सी, वन डाला तो ये बन गया सी माइनस टू, माइनस टू प्लस सी, ठीक है, तो खुद से सोचा कि ये कैसे तुम कर सकते हो, ठीक है, अगर मैंने अब अच्छा फॉर टू रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स बिलोंग टू जीरो से वन, तो मैंने सबसे पहले तो एफ डैश एक्स देख लिया, तो एफ डैश एक्स से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है ना डी ऑप्शन में, तो साइन स्कीमा ये बनेगी एफ डैश एक्स की, इतना मैंने बना दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, वन के राइट साइड पे वन के लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे अपना वन से हमें एनालिसिस स्टार्ट कर देना, ठीक है, वन नहीं जीरो से स्टार्ट करो, सी इज पॉजिटिव, ठीक है, जीरो, तो जीरो से वन में कैसा बिहेवियर है, जीरो से माइनस वन में कैसा बिहेवियर है, ठीक है, और उसमें तो जीरो से वन है, तो जीरो से वन का बिहेवियर एनालाइज करो, कि एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, ठीक है, और जीरो से वन ये क्या हो रहा है, टू रियल सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर एच बिलोंग टू जीरो से वन, ठीक है, तो जीरो से वन में एफ डैश एच मेरी पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस टाइप से तुम इस चीज तरह एनालाइज करना कि कैसे तुम ये कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ln ऑफ mod sin x बराबर माइनस एक्स स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू दिस रेंज, ln ऑफ mod sin x और ये बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नाउ दिस, अब जब मुझे इस टाइप का क्वेश्चन देखना रहता है ना, तो मैं फंक्शन कंसीडर करता हूँ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स अपन ले लेते हैं ln ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर,
ln of mod sin x plus h square, ठीक है जी, h square इधर आएगा और वो जीरो में लेना ना, तो gx equal to zero के बारे में मेरे को बातचीत करनी है। अब मैंने g of pi by 2 देखा, राइट, g of pi by मेरा वो है माइनस pi by 2 से 3 pi by 2, मॉड साइन एक्स है ना, तो अब अगर मैं पहले जी डैश एक्स देखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, मेरा जी डैश एक्स क्या बनेगा, मेरा जी डैश एक्स आएगा क्रॉस एक्स बाय साइन एक्स, वो होता है क्रॉट एक्स प्लस टू एक्स, मेरा जी डैश एक्स आ जाएगा क्रॉट एक्स प्लस टू एक्स, और मेरा जी डबल डैश एक्स आएगा क्रॉट एक्स प्लस, ठीक है मेरा g डबल डैश x आ रहा है cot x plus 2, ठीक है। अब मैं तुम्हें हिंट्स देता हूं इस सवाल की, ठीक है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं ये वाला पूरा सॉल्व करूं, क्योंकि मैंने तुम्हें चार ऑप्शन वो वाले करके बताए हैं सेम पैटर्न पे। अब ये g डबल डैश x cot x plus 2 है, मैं g डबल डैश x तक पहुंचा तो मैंने देखा जब मेरा x, अब मैं इंटरवल तोड़ता हूँ अपने, ठीक है, पहला मैंने x तो ले लिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है, क्योंकि जब मैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की एनालाइज कर रहा हूँ तो जो मेरा क्रॉट x है उसकी रेंज थोड़ा सोचो क्या रेंज बनेगी क्रॉट x की, ठीक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और इसे तुम चाहो तो वो ले लो ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं ओपन इंटरवल की बात कर, ठीक है, क्योंकि जब ये क्लोज इंटरवल है तो क्रॉट माइनस पाई बाय टू क्रॉट पाई बाय टू इनफिनिटी होता है, तो जी डबल डैश एच इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है ना उस पे, तो माइनस पाई बाय टू पे तुम मैनुअली पुट करके देख लो नहीं बनेगा, राइट, नहीं बन रहा, तो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू हटा दो इस तरह से, ठीक है। तो जब एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है तो मेरा जो क्रॉट एक्स आता है वो किस टाइप से आएगा, जब माइनस, अब इसको तुम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करो, माइनस पाई बाय टू से जीरो में तोड़ो और जीरो से पाई बाय टू में तोड़ो, जब मैंने से माइनस पाई बाय टू से जीरो में तोड़ा तो रेंज जो भी इसी रेंज आएगी उसी नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि क्रॉट एक्स मेरे को पता है ऑड फंक्शन होता है, क्रॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा माइनस पाई बाय टू से इंक्लूड कर सकता है, क्रॉट पाई बाय टू तो जीरो होता है, क्रॉट पाई बाय टू जीरो टैन पाई बाय टू इज इनफिनिटी, ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें एनालाइज करना है ये वाली रेंज में और ये वाली रेंज में, जी डबल डैश एक्स साइन देखो रेंज से जोड़ें, तुम यहां देखो कि क्रॉट एक्स माइनस टू से कब बड़ा है और क्रॉट एक्स माइनस टू से छोटा कब है ना, बस इतना सा काम मैंने तुम्हें दिया है, ये काम तुम कर लोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज योर होमवर्क। मुझे नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए मेरी इसी वीडियो में कमेंट्स में मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या है, ठीक है, अगर तुमसे नहीं बनता है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली, बट अभी के लिए होमवर्क है विद दिस हिंट, ठीक है, लेट्स सी आप कैसे सॉल्व करते हो। ऑलराइट नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मुझे ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की समझ नहीं आई क्यों है, बट मुझे ये थोड़ी फंक्शनल इक्वेशन टाइप ज्यादा लगी। इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन आर सैटिस्फाइंग एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ फाइव, एफ एक्स प्लस फाइव, और उसने मेरे को बोला है एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज लेसर देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन। अब अपन इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट, तो मैंने बोला एक बार तुम एक्स की जगह एक्स प्लस वन इस इनइक्वालिटी में डाल दो, तो यहां से मेरे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन, राइट, और ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वन है दिस वॉज ऑलरेडी लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन,
एफ ऑफ एक्स प्लस टू मेरे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। इसी तरह से अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे तुम्हें आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस फाइव। एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस फाइव, राइट। लेकिन यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे आ रहा है लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी इज एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस फाइव। अब इसका ये मतलब है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये जब लीनियर ऑफ जैसे यहां पे है अंदर और वो ऑपरेट होके आ रहा है बाहर, ठीक है, तो इस केस में ना तुम हमेशा एफ एक्स ए एक्स प्लस बी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी विल बी अ सॉल्यूशन टू दिस, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर फंक्शनल इक्वेशन। इसको अगर तुम्हें अच्छे से प्रूफ चाहिए तो देखो f of x plus 5 minus fx constant है। ये अगर constant है मतलब ये ap है, difference जो है constant है ap है, और ap जो है वो तुम्हारा linear term represent करता है। ये difference जैसे quadratic आता तो अपन इसको वो ले लेते, difference linear होता तो अपन इसको वो मान लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, differences आर इन ap करके जो सीरीज बनती है उस टाइप से ले लेते हैं। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज से हल्का सा कॉन्सेप्ट है। तो एफ एक्स मैंने ए एक्स प्लस बी ले लिया, इसको आप जेंसन इनइक्वालिटी से भी करते हो। इसमें एक्चुअली एओडी वही है कि अगर मैंने इसमें जेंसन लगाई तो आ जाएगा, बट जेंसन मेन सिलेबस में नहीं है, एडवांस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जेंसन से मत एनालाइज और वैसे कर लो, इसलिए मैंने बोला था पहले कि एओडी का पार्ट क्या है, बट अभी याद आ रहा है जेंसन इनइक्वालिटी से ही आप ला सकते हो कि एफ एक्स विल बी ए एक्स प्लस बी लीनियर। तो अब उसने बोला एफ ऑफ वन इज वन, तो ए प्लस बी की वैल्यू वन है, और उसने मुझे बोला है ए टाइम्स एक्स प्लस फाइव प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी, ये फाइव है। इसका मतलब फाइव ए की वैल्यू फाइव है, तो ए की वैल्यू वन आ गई, ए की वैल्यू वन आ गई तो बी की वैल्यू जीरो आ गई, तो मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स आने पर मेरा जी एच जो था वो तो डायरेक्ट वन ही बन गया, है ना। जी एच से एफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स, इधर एक्स प्लस वन माइनस एक्स काट दो तो जी ऑफ 2022 विल बी वन, कुछ भी होती। यहाँ पे वो थोड़ा सा और टफ बनाने के लिए ऐसा कुछ डाल देता लिमिट x tending to a g of limit x tending to infinity g of x, कुछ ऐसा बनाता टफ सा ताकि देख के बच्चा घबरा है ना, बट बस इसमें इतना सा था, sequential analysis करनी थी। एक बार x डालो, एक बार x plus 1 x plus 2, वो तुम्हें यहीं से इसी स्टेप पे दिख जाता कि क्या बनेगा, ठीक है। ओके Moving on to the next problem, ये वाला मैं करूंगा। Find the number of real roots of the equation this, where a is a positive constant. Now this is a very beautiful problem, ठीक है। अगेन नेट वेट पे जाओगे तो तुम्हें सीधे सीधे ग्राफ बना के मिल जाएगा, बट तुम्हारे माइंड में बहुत डाउट्स रह जाएंगे। ये चीज मेरे पास ऐसी है वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और मान लो ये नहीं भी देते ना, वो तुम्हें मान लो सिर्फ ये लाइन मेंशन नहीं होती, ठीक है, ये लाइन मेंशन नहीं होती, मैं तो बोल रहा हूँ ये लाइन हटा दो, पहले ही हटा देनी चाहिए थी मैंने, ये लाइन नहीं है तो तुम्हें खुद से कंक्लूड करना आना चाहिए कि ए विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स। अब तुम देखो इसका डेल्टा लेस देन जीरो है, इसका डेल्टा लेस देन जीरो है, तो ये मेरा बेसिकली क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर बेसिक,
ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ए ग्रेटर देन जीरो तुम यहां से कंक्लूड कर सकते हो, है ना। एडवांस या मेन से क्वेश्चन आएगा, नहीं लिख के आएगा ए इज पॉजिटिव, मेरा ये मानना है और ऐसा होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन में एक लेवल ऑफ टफनेस और बढ़ जाएगी। वैसे ही टफ क्वेश्चन, इजी तो नहीं मानता हूं मैं ऐसे प्रॉब्लम्स। तो अब अपन कंसिडर करते हैं जी एक्स विच इज इक्वल टू ए टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अपन ने जी ऑफ वन निकाल के देखा या जी ऑफ जीरो निकाल के देखा, तो जी ऑफ जीरो आ रहा है आपका ए माइनस वन, ठीक है। जी ऑफ जीरो आपका ए माइनस वन आ रहा है, ठीक है। और अब अपन ने जी डैश एक्स निकाला और जी डबल डैश एक्स निकाला। जी डैश एक्स मेरा बना, जी डैश एक्स मेरा बना ए टाइम्स ई टू द पावर एक्स और माइनस एक्स माइनस वन, और जी डबल डैश एक्स मेरा बना, जी डबल डैश एक्स मेरा बना ए इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। जी डबल डैश एक्स मेरा ए टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस वन बन गया, ठीक है। अब मैं चाहूं तो एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, मैंने जी ट्रिपल डैश एक्स भी निकाला थोड़ी देर के लिए, जी ट्रिपल डैश एक्स बना ए टाइम्स ई की पावर एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब a इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन की मैं बात कर रहा हूं, और g डबल डैश जीरो मेरा इज अगेन a माइनस वन। अब मेरे पास दो केस बन सकते हैं, या तो a मेरा वन से बड़ा हो या a मेरा वन से छोटा हो, मैं कोई सा भी एक केस ले लेता हूं और दूसरा उससे सिमेट्रिक आएगा, आंसर तुम्हें पता है एक ही हो सकता है, तो तुम एक ऐसा केस उठा दो, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, समझे। आईएसआई में ये क्वेश्चन है तो तुम्हें प्रूफ करना था a ग्रेटर देन 1 a लेस देन 1, दोनों केस में 1 ही आएगा आंसर, तो मैंने बोल दिया लेट अस से a ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। तो g डबल डैश 0 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब जब मैं 0 से आगे बढ़ूंगा तो g डबल डैश 0 और बढ़ेगा, g डबल डैश 0 पॉजिटिव है मतलब g डैश x इंक्रीजिंग है, g डैश x मेरा इंक्रीजिंग है, g डैश x अगर मेरा इंक्रीजिंग है और g ऑफ 0 मेरा a माइनस 1 है, राइट, g डैश x मेरा इंक्रीजिंग है और g ऑफ 0 मेरा a माइनस 1 है, तो और मैंने a तो ग्रेटर देन 1 लिया है, तो g ऑफ 0 तो मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है, g डैश x इज इंक्रीजिंग। एंड अगेन अगर मैंने g डैश 0 लिया तो g डैश 0 आ रहा है a माइनस 1, अगेन a greater than 1 है तो g dash 0 positive है, तो gx is मेरा again increasing, मेरा gx भी increasing आएगा, a greater than 1 है तो g dash 0 greater than 0, और g dash x increasing है मतलब positive की तरफ बढ़ेगा, negative की तरफ घटेगा, तो gx increasing है, g of x increasing है, तो यहां से अपने पास basically क्या आ रहा है, यहां से अपने पास बेसिकली आ रहा है कि a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ठीक है, ये यहां से इंक्रीज कर रहा है जी एक्स, तो अब इसका अपन ने g ऑफ 0 निकाला, तो g ऑफ 0 वाज a माइनस 1, दैट वाज पॉजिटिव, और मैंने एस्टेब्लिश कर लिया कि जी एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी एक्स तो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब नेगेटिव साइड में एक रूट एग्जिस्ट हो सकता है, मे बी हो मे बी ना हो, पर ये डिक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव से डिक्रीज करेगा करेगा करेगा, ठीक है, पॉजिटिव से डिक्रीज करता हुआ जाएगा, तो जी ऑफ जीरो मेरा आ गया ए माइनस वन, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर फॉर श्योर, क्योंकि मैंने ए इज ग्रेटर देन वन अज्यूम कर रखा है। अब मैंने एक काम किया, मैंने जी ऑफ माइनस वन एक बार के लिए चेक किया, क्या जी ऑफ माइनस वन, पर एक बात तो श्योर है ना मेरे भाई,
कि ये नेगेटिव होता जाएगा, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव पहुंचेगा, तो मेरे पास एक कोई सा ऐसा रियल नंबर आएगा जी अल्फा जो लेस देन जीरो आएगा, जी ऑफ जीरो मेरा पॉजिटिव है, तो अल्फा और जीरो के बीच में ए टूट आएगा और उससे अगेन डिक्रीज, है ना, अल्फा और जीरो के बीच में ए टूट आएगा डिक्रीज, तो इसका नंबर ऑफ रियल रूट विल बी वन, इसका नंबर ऑफ रियल रूट विल बी वन, वन इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो मैं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ए ग्रेटर देन वन और ए लेस देन वन की अलग चीज बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला सवाल जो है प्रूफ कर दिया। अजनल एनालिटी का सवाल मैं जी ट्रिपल डैश एक्स तक गया। ऑब्जर्व करो, इन क्वेश्चन से सीखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भैया, जिसने ये वीडियो पूरी नहीं देखी उसे नुकसान है। स्टार्ट इजी सवालों से हुआ था, आते आते टफ हो गया, वो सवाल होते ही इजी है, ज्योमेट्रिक मैक्सिमा मिनिमा ये इसमें कोई बहुत टफ सवाल नहीं बनते, बट मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन ये टफ सवाल होता है, ये बहुत टफ होते हैं, इनमें और भी टफ। सेवेंथ डिग्री की इक्वेशन का एनालिसिस, लेकिन अब मैंने तुम्हें सिखा दिया ऑड इवन सब टैकल कर सकते हो, सेवन क्या कोई भी ऑड नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, कैन इजिली टैकल, क्योंकि अब तुम्हारे पास आ चुका है कि सॉल्व कैसे करना है। नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स ही तो एकदम ही फुद्दू सवाल है, एफ डैश जीरो कर देना, है ना, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसको मैं नहीं करा रही, तो इसका आंसर आई थिंक टू या वन में से कुछ था, देख लेना, एफ डैश जीरो करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी। हाँ, ये एक बढ़िया सवाल है, मैनिपुलेशन बेस्ड सवाल है, और मुझे देखना है कि आप ये वाला कैसे करते हैं। हिंट मैं दे देता हूँ, ये वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करवाए जाते हैं लेक्चर्स में, ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रोल्स थ्योरम, मेंस में आता है, इस टाइप का सवाल आ सकता है, अभी तक नहीं आया बट ये मेंस में आने के लिए बड़ा प्रोबेबल है। एनटी अपने टेस्ट सीरीज में हजारों ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है, एनटी अपने उसमें हजारों ऐसे क्वेश्चन देता है, देखो यार इसमें कितना कितना मैनिपुलेटिवली उनने ये चीज लिख दी है, मतलब बच्चे को ये चीज समझने में कितना टाइम लगेगा कि इसमें रोल्स थ्योरम लगेगी, एज अ टीचर ये मुझे दिख रहा है, एज अ टीचर ही मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, बट एज अ स्टूडेंट ये देखना बहुत मुश्किल है कि यहाँ रोल्स थ्योरम लगेगा, कैसे लगेगा, रोल्स थ्योरम उल्टे साइड से लगेगा, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की बात कर रहे हैं, इसको मैं जरा एक बार इंटीग्रेट कर देता हूँ, बी एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसको ना मैं जरा इंटीग्रेट कर देता हूं, इससे इंटीग्रेशन बनेगा, मैं कॉन्स्टेंट की चिंता बिना कर रहे हुए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बन रहा है ए एच टू दी पावर फोर बाय फोर प्लस बी एच क्यूब बाय थ्री, मैं बेसिकली सारी टर्म्स को बस इंटीग्रेट कर रहा हूँ, सी एच स्क्वायर बाय टू प्लस डी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ बना, और मेरे को वो कॉन्स्टेंट वाली टर्म से मतलब नहीं है, उसका मेरे को यूज नहीं है, प्लस सी लिख के मेरा सिर्फ दिमाग खराब होगा, उसका मैंने अभी इग्नोर मारा, आई कैन इग्नोर दैट थिंग। मैं एक तरह से कहना चाहता हूँ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये पता है, इसलिए मैंने सिर्फ टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दिया, कॉन्स्टेंट से नहीं बोला हटाओ यार, इजी रखता हूँ, क्यों फालतू में अपना दिमाग खराब करूँ, और इसमें मैंने बोला ये चीज मेरी इक्वेशन है। अब तो मैं छोटा सा नमूना देखना, अगर मैं x की जगह वन रख देता हूँ तो क्या बनता है, a बाय फोर प्लस b बाय थ्री प्लस c बाय टू प्लस d इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा। तुमने एक छोटा सा नमूना और देखा, मैंने ए और सी को ना कंबाइन करा तो ये बन गया ए बाय फोर प्लस सी बाय टू, और मैंने बी और डी को कंबाइन कर दिया प्लस बी बाय थ्री प्लस डी, इसको मैंने लेटेस्ट से जीरो माना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको जीरो मानो, या इसका डेरिवेटिव ये है ना, अभी अपन देखते हैं ना, अपन थोड़ा रोल्स थ्योरम वाली चीज सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, a बाय फोर प्लस सी बाय टू प्लस बी बाय थ्री प्लस डी बाय टू प्लस डी, तो ये चीज मेरी बेसिकली बन जाएगी टू ए प्लस सी बाय फोर प्लस बी प्लस थ्री डी बाय थ्री, ये चीज बन जाएगी मेरी f ऑफ वन,
अगर मैं इस चीज का एफ एक्स कंसिडर करूं, इसका मैं इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करूं, तो एफ ऑफ वन मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अरे यार ए प्लस टू सी आएगा ना, ए प्लस टू सी, सॉरी ए प्लस टू सी और बी प्लस थ्री डी, ये मेरा एफ ऑफ वन आएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें थोड़ा और देखा है, अब मेरे को उसने एक इक्वेशन दिए, देखो इक्वेशन जो तुम्हें ये दो टर्म मिल गए, उसने मुझे इक्वेशन दी है ए प्लस टू सी अपॉन बी प्लस थ्री डी बराबर माइनस थ्री बाय फोर, ये बराबर है माइनस थ्री बाय फोर, ठीक है। सॉरी माइनस फोर बाय थ्री। तो अगर मेरा एफ ऑफ, तो मैं एफ ऑफ वन अगर जीरो होता, तो यहां से अगर मैं रीअरेंज करूं, तो इसमें मैं बेसिकली ये लिख सकता हूं ना कि ए प्लस टू सी बाय फोर प्लस बी प्लस थ्री डी बाय थ्री बराबर जीरो, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। मैंने इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर रीअरेंज करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रीअरेंज करा, तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरा एफ ऑफ वन तो जीरो आ गया, मतलब इस इक्वेशन का एट रूट आ जाएगा जीरो कॉमा वन में, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही, ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही, तो रोज सरम लग गई ना यार, एफ ऑफ जीरो जीरो है, एफ ऑफ वन जीरो है और एफ ऑफ जीरो जीरो है, एक और रीजन की मैंने कॉन्स्टेंट नहीं लिया, एफ ऑफ वन जीरो है, एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो मैंने बोल दिया कि एफ डैश एच का एट रूट आएगा, एफ डैश एच हैज रूट इन, हैज रूट इन जीरो कॉमा वन, मैंने बोल दिया एफ डैश एच का तो एट रूट आएगा वाई जीरो वन, और एफ डैश एच क्या था, ये था, ये रहा एफ डैश एच, यही था ना एफ डैश एच क्वेश्चन में, हाँ जी आंसर एटलीस्ट वन रूट इन जीरो वन। तो सवाल ऐसे करते रहोगे तो चीजें बनती रहेगी। ओके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, ये मेंस पीवाईक्यू है। अच्छा हिंट क्यों दूं, समझा ही देता हूँ, बहुत इजीली समझ जाओगे, चलो थोड़ा ना ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्री एनालिसिस, ज्योमेट्री नहीं मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ए मेरा है टू कॉमा वन, बी मेरा है जीरो कॉमा जीरो, उसने बोला है सी एक पॉइंट है टी कॉमा फोर, अच्छा जीरो कॉमा जीरो तो क्या इधर आना था, तो लेट अस से इसको बी कर दो जीरो जीरो, है ना, जस्ट फॉर द, और ए आ गया टू कॉमा वन, और सी वो बोल रहे टी कॉमा फोर पे एक पॉइंट है और ए बी सी एक ट्राइंगल बनाता है, ठीक है, ये मेरा सी एक पॉइंट है और मुझे इस ट्राइंगल का परिमीटर जो है मैक्सिमाइज करना है ए बी सी का, ठीक है, मुझे एबीसी का पेरिमीटर मैक्सिमाइज करना है एक कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है। तो अब मैंने तुमसे बोला लेट अस मान लो ये एंगल थीटा वन हो रहा है, ये एंगल थीटा टू हो रहा है और ये चीज मेरी पी हो रही है, और लेटस से मेरे पास ये डिस्टेंस 2 है तो ये d है और ये 2 माइनस d है, तो अगर ये मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास d है, p है, तो मेरा जो बेसिकली पेरीमीटर है वो आएगा 2 प्लस ये वाली डिस्टेंस l1 और ये वाली डिस्टेंस l2, l1 प्लस l2, ठीक है, l1 की जगह मैं डाल सकता हूँ p cosec थीटा 1, L2 की जगह मैं डाल सकता हूं P cosec थीटा 2,
ठीक है, ये पी तो कांस्टेंट रहता, तो ये बन जाएगा 2 + p टाइम्स कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा 2। अब जब मुझे ये मैक्सिमाइज करना है, ये वाला मुझे मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे ये डी भी ये L2 और L1 को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और ये डी पे कंस्ट्रेंट है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये मैक्सिमाइज L1 और L2 तभी होंगे जब डी मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, डी मिड पॉइंट हो और ये परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो ये मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा तुम्हारा 1, 0, 1, जो भी आएगा उससे मतलब नहीं, बट ये वाला अगर 1 हो और टी की वैल्यू 1 हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, राइट, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो टी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी है t=1, t=1 पे ये मैक्सिमम पेरीमीटर आएगा। अब मुझे पेरीमीटर मिनिमाइज करना है, तो इसको एक किसी की साइड बना दो, इसको किसी एक की साइड बना दो, परपेंडिकुलर साइड ही बना दो शिफ्ट शिफ्ट करते हुए, ठीक है, तो दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, t,4, और हाइपोटेनियस मिनिमाइज होना चाहिए, तो हाइपोटेनियस मिनिमम कब होगा, जब ये ओरिजिन यहां पे आ जाए, मतलब ओरिजिन के साथ हाइपोटेनियस बने, तो मिनिमाइज आएगा और हाइपोटेनियस ही, तो t=1 पे मैक्सिमम आएगा, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है तो t=2 पे मिनिमा आएगा, t=2 पे मिनिमा आएगा। ये मैंने तुम्हें एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताया, ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, और मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन बता दी, मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन बताई कि एक तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे सोचो और एक तुम परपेंडिकुलर हो जाए उससे लाइन पे सोचो, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया सोचने का तरीका, दैट्स ऑल आई टॉट यू हियर। तो 6 α विल बी 6 और 21 2s 42, 48 विल बी द आंसर। ये बहुत चैलेंजिंग सवाल है, ये मेंस में आया था, और ये बहुत बहुत अल्टीमेटली चैलेंजिंग सवाल है, अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि कल ही मैंने एंगुलर पॉइंट्स वाला तुम्हें मैक्सिमाइज करवाया, रेक्टेंगल उसी का तो कॉन्सेप्ट है, θ1 हमें अज्यूम करना है, तो उसे थीटा देख के तुम्हें स्ट्राइक करेगा, अरे सर परपेंडिकुलर, मुझे सिर्फ इतना सोचना है, इतना सोच लूंगा सर तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल बेटा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर एओडी और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एओडी इज विद डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। इफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल -3 से 0 इज एफ ऑफ अल्फा, देन अल्फा के बारे में उसने मेरे से कमेंट्स पूछे हैं, ठीक है मैं कर दूंगा, मुझे तो आता है सर बहुत अच्छे से आता है। मैंने बोला कंसीडर करो, अब तो तुम्हें एओडी इतनी आती है यार, तुम एओडी के बादशाह बन चुके हो, आई गेस सो, बादशाह तो चलो नहीं बोलते बट लेट्स स्टार्ट। जीएच है, जीएच है x²-2x+7 और इसकी पावर इंटू e^(x^4x³-12x²), अरे यार कितना बड़ा बड़ा लिखना है, -180x+31, -180x+31, ये तो ये चाहता था तो कांस्टेंट ना भी देता तो भी चल जाता, और चैलेंजिंग हो जाते, यहाँ पे प्लस सी लिख देता बच्चे पागल हो जाते। उसने बस उनसे पूछा है कि अल्फा के बारे में बता दो, मैं खुश हूँ, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं जानना। मैंने बोला मैं आपको अल्फा तो ऐसे ही बता देता हूँ, मुझे g′0 करना है, प्रोडक्ट है तो लॉग ले लेता हूँ, मेरी मेरी तो डर तो लगता ही नहीं है, मैंने ln of gh ले लिया, ln gh ले जाए ये प्रोडक्ट सम में टूट जाएगा, मुझे प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा, ये बन गया ln of x²-2x+7+4x³-12x²
तो मैंने ये लॉ लेने वाली ट्रिक बहुत जल्दी यूज की। अगर तुमने अलजेब्रा मेरी वीडियो सीरीज देखी है ना, तुम्हें पता होगा लॉ लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बोल रहा हूँ बोथ साइड डिफरेंशिएटर और जीरो कर दो, तो 1/GH इंटू जी डैश एक्स ऐसा कुछ बन रहा है। ये बन रहा है 1/(x²-2x+7), ऊपर बन जाएगा 2×(x-1) और इससे डिफरेंशिएशन आएगा 12x²-24x-180 ये आएगा। ठीक है, तो जी डैश एक्स मेरा आएगा, जी डैश एक्स मेरा आएगा जी एच इंटू दिस थिंग, जी एच इंटू दिस थिंग। यहां से 12 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा x²-2x-15। ठीक है, ये बन गया। अब तो मैं देख ही रहा है, अब तो ये सब बहुत इजी है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी पूरी की पूरी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जब मुझे मैक्सिमा चाहिए, तो मुझे जी डैश एच जीरो चाहिए। तो जी डैश एच में अगर मैं देखूं तो ये चीज पॉजिटिव है, तो मेरे पास ये वाली जो चीज है ना, दिस शुड बी माई हेल्पफुल, ये वाला जो चीज है ये मेरे को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं देखूं x²-2x-15, तो वो बनता है मेरा x-5 × x+3। इसका मतलब 8 रूट आएगा -3 के इधर और 8 रूट आएगा 5 के इधर, और ऐसा जो ग्राफ बनेगा। तो -3 मेरा जो है वो मैक्सिमा मैक्सिमा हो गया, -3 पे मेरे पास मैक्सिमा आ गया, -3 पे मैक्सिमा इस चीज का तो आ गया मेरे पास, ये चीज मैक्सिमम होगी -3 पे। ठीक है, और ये चीज मेरी क्या है, ये चीज मेरी क्या है, ये चीज मेरी ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव सिर्फ देखूं, अगर मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव देखूं, जी तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस था एक्चुअली, इसमें ये लगाना भी नहीं चाहिए था, मैं पता है ये स्टेप अपन ने एक्स्ट्रा ले ली, पर ठीक है एनालिसिस में हेल्प करता है। इसका डेरिवेटिव मैं देखूं तो वो x-1 है, 2×x-1, मतलब जब भी x मेरा 1 से छोटा है तो ये डिक्रीज करेगा, x छोटा होगा 1 से तो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये मैक्सिमाइज हो जाए, ये मैक्सिमाइज हो रहा तो ये भी है ना, ये मैक्सिमाइज हो रहा, -3 से 0 है, -3 पे जो है इसकी, -3 से अगर मैं आगे बढ़ा, ठीक है, तो f ये बेसिकली डिक्रीजिंग है, तो -3 से मैं जैसे राइट बढ़ूंगा तो वैल्यू कम होगी इस चीज की, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी -3 से 0 में, तो -3 पे ही मैक्सिमम आएगा, तो अल्फा आ गया -3, दोनों का मैक्सिमम -3 पे आ रहा है, तो मैक्सिमम -3 पे आ रहा है। बस इन दोनों का मैक्सिमा निकालना था तुम्हें, इन दोनों का मैक्सिमा निकालना था, ये सब मत करो, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन ही देख लो। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन देख लो, एक बार फिर समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ यार, मेरे पास बहुत टाइम है, एक बार मैंने इस मेन सा सवाल है, बहुत टफ हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो ये बन गया 2×x-1, एक बार मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो इसके रूट्स मतलब इसी साइन की नहीं है, बन रही f'x की। तो मैंने देख लिया कि -3 पे इस इंटरवल में, इस इंटरवल में -3 इसका भी मैक्सिमम है, इसका भी मैक्सिमम, तो अल्फा -3 मिल गया आंसर। इसी के साथ एओटी की ही रिवीजन होती है फिनिश, डिफरेंशियल कैलकुलस की रिवीजन होती है फिनिश। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस के साथ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल, या मोटिवेट करो। जब मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छी वीडियो बनाता हूँ तो मैं और मजा आएगा, प्लेलिस्ट और मिलेंगी, तुम्हारा रिवीजन और बढ़िया चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।